अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम यहाँ जा रहे हैं बर्थडे में, मेरी कज़िन सिस्टर का बर्थडे है तो बस उसकी तैयारी कर रहे हैं और हम रेडी होके बैठा है और अपने गानों में बिजी है। उसे टोनी कक्कर के गाने बहुत पसंद हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ, सब रेडी हो गए हैं। सो अब चलिए चलते हैं बर्थडे में और देखते हैं क्या होता है। सो हम रेडी हो गए हैं बर्थडे में जाने के लिए। हम चाची के यहाँ जा रहे हैं और हम सब तैयार हो गए हैं, बस अब हम निकल रहे हैं। चलो हाँ, मैं दिखा देती हूँ। हम्माद भी रेडी हो गया है, बस सिंपल सा ही है, हम नकाब नहीं निकालेंगे। हम्माद ऑलवेज अरहम जैसे रोता रहता है, ये देखो अरहम भी रेडी हो गया है। सो बाय बाय। तो आ गए हैं हम चाची के घर पे अपने और बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। कैंडल बहुत देर से जलाने की कोशिश हो रही थी लेकिन कैंडल जल नहीं रही थी। एक फ़ैन ऑन था, फिर उसे ऑफ़ किया और जलाने भी नहीं आ रही थी, फिर धीरे धीरे करके वो जली। मतलब डरता है ना इंसान, उसे माचिस लगाता है ना तो जब बहुत डर लगता है कि एकदम से वो चिंगारी ना निकल जाए। तो फाइनली अब हमारी कैंडल जल जाएगी और क्लैपिंग होगी। अरे जलो भाई, ये तो यहाँ वीडियो में भी नहीं जल रही एक्चुअली। सो बस केक कटिंग हो जाएगा और मैं यहाँ पर केक के पेस करती हुई छोटे छोटे से, क्योंकि बहुत सारे जन थे, हम सब थे, फैमिली से सब आए थे, तो बहुत इंजॉय होता है। ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े आ जाते हैं और सबका मिलना हो जाता है एक साथ टाइम निकाल के, वरना मिलना नहीं होता है जल्दी से। और बस यहाँ बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई है और मैं भी यहाँ खाते हुए इंजॉय करते हुए छोटी सी वीडियो ले ली। फिर सबको देने के बाद मेरी खुद की बारी आई, आपको दिखा रही हूँ। सो मैं भी यहाँ खाने के लिए बैठ गई हूँ अपने सिस्टर के साथ और बातें कर रही हूँ। और हमने भी काफ़ी इंजॉय किया और केक भी काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ हमारा। और फिर हम बाहर निकल जाएंगे घूमने के लिए। यहाँ हम जा रहे हैं जामा स्वीट पानी पूरी खाने के लिए लेट नाइट। चाची से परमिशन लेकर तो बोले कि ठीक है जाकर आओ, और जब मैं होती हूँ तो अल्लाह के शुक्र से कोई मना नहीं करता है, मेरे साथ सब भेज देते हैं सिस्टर को, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। सो और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो सब भेज देते हैं। और यहाँ का रास्ता रात में बहुत अच्छा होता है, नज़ारा और मुंबई की तो बात अलग होती है। ये देखिए, ये है अरबियन दरबार जो कि अभी नया खुला है और बहुत यहाँ के मतलब खाने बहुत फेमस है। अब फाइनली हमारा जामा स्वीट्स आ जाएगा, ये देखिए, बहुत खुश हुए थे हम, बहुत टाइम बाद बाहर निकले थे ना तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे हम। और जब लड़कियों की गैंग साथ हो तो बात ही अलग है, मस्ती मजाक सब चलता रहता है। यहाँ अरहम नखरे दिखा रहा है अपनी खाला को, जो इसकी खाला है, छोटी मेरी सिस्टर है, सो वो बहुत इसको लाड़ करती है ना, तो बस उसे ही ज़्यादा नखरे दिखाता है, मुझसे भी ज़्यादा वो उसे लाड़ करता है। यहाँ हम माँ देख रहा है कि मेरी कैंडी इसके पास ना चली जाए। और हमने ऑर्डर किया था ये कोकोनट आइसक्रीम। सो बस हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा है, तो छोटी सी क्लिप इसकी भी है। यहाँ पर नया शॉप हो मतलब, हाँ ये वाला जो स्टॉल है ये नया लगा है, बाकी जगह हमने खाया, तो चलो कि यहाँ का भी टेस्ट कर लेते हैं। ये कितने स्टाइल से देखिए भाई साहब, मिल्क उसमें ऐड करते हुए। सो बस सब लाइन से खड़े हैं, ये हमारा ही ऑर्डर रेडी हो रहा है, तो मैंने कहा छोटी सी क्लिप इसकी भी निकालूँ। ये देखिए फाइनली रेडी होके आ गया और बहुत ज़्यादा क्रीमी था ना तो पूरा ओवर हो रहा था। यहाँ नेक्स्ट डे शाम की मेरी कॉफ़ी इंजॉय। सो आज है नेक्स्ट डे और कल बर्थडे सेलिब्रेट करते करते काफ़ी रात हो गई थी, तो मैं और कुछ वीडियो बना नहीं पाई, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। और आज सुबह से भी मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी और कुछ ऐसे थोड़ा बहुत घर सेट कर रही थी, तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि वीडियो वगैरह बनाऊं। अब थोड़ा सा फ्री हुई थी तो सोचा थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ, थोड़ी सी बातें कर लूँगी आपके साथ। अभी भी रेडी होने के बाद भी थोड़ा सा टाइम बचा है अभी खाना बनाने में, सो इतना सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें की जाए। ये देखिए, ये छोटा वाला बेटा ऐसी पिलो वगैरह पे चढ़ के मस्ती कर रहा है,
लेकिन एक चीज़ की खुशी है, अभी मेरा भी बर्थडे आने वाला है, कमिंग सून है मेरा बर्थडे। देखते हैं कैसे सेलिब्रेट होता है या सेलिब्रेट होता भी है या नहीं। जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग मेरे साथ बने रहें, आप लोग ढेर सारा प्यार दें मेरी वीडियोस को, मुझे सपोर्ट करें जिसे आप सबको प्यार देते हैं, और हम भी इन यूट्यूबर्स को देख देख कर आगे बढ़ते हैं। सो दिल करता है हमें भी ऐसा प्यार मिले और हम भी आगे बढ़ें, अल्लाह का साथ हो और आप लोगों की दुआएँ हों, बस इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें इंशाल्लाह। मुझे है ना उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर प्यार दोगे और मुझे आगे बढ़ाओगे। सॉरी थोड़ा सा आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि जो हमारे नीचे है, हम देवरानी जेठानी सब साथ में रहते हैं, सो नीचे से आवाज़ आती रहती है, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और आप बताना, मैं कैसी लग रही हूँ? पता नहीं कैसी लग रही हूँ, थोड़ा बहुत सही रेडी हुई हूँ आज, क्योंकि फ्री थी मैं, तो मेरा मन कर गया कि मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, और आप प्लीज़ मुझे बताना। और आज कुछ वीडियो बनाई नहीं सुबह से, तो सोचा छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फैन ऑफ रखना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए और बहुत गर्म हो जाता है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? सो अब कोशिश करूँगी, आज तो मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी, और ये वीडियो भी कल अपलोड होगी, और उसके बाद फिर सोचा है कि डेली फिर कंटिन्यूसली रहूँगी। आज बहुत ज़्यादा काम था दिन में, इसके लिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। सो चलिए उसके बाद देखते हैं ये वीडियो इतनी ही एडिट होती है या इसके आगे भी कुछ क्लिप जाती है या नेक्स्ट वीडियो, तो जैसा भी होगा आप लोगों को पता चलेगा। चलिए जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं बहुत फ्री हूँ, अभी फ्री बैठी हूँ और टाइम है मेरे पास अभी, तो आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मेरी गलत फहमी थी। पता है मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, और वो किसने दिया, मुझे घड़ी ने दे दिया। मैंने आज इतना काम कर लिया, रेडी भी हो गई, फिर मैं सोच रही इतना टाइम अभी भी बचा है, मतलब अभी तो पकाने में टाइम है, और मुझे नहीं पता। फिर जब मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो 10:30 हो रहे, और मैंने कुछ भी अभी तक खाने की तैयारी नहीं करी, और मेरी घड़ी में हो रहा है 8:30। और सच में पता नहीं क्यों मैंने मोबाइल में टाइम ही नहीं देखा जब से वीडियो भी बना रही हूँ, तो मुझे लगा। और जब 10:30 मैंने देखा, फटाफट फटाफट फिर जल्दी से अपना खाना जो है, देख रहे हो आप, खाना मैंने बनने के लिए रख दिया है, और चावल भी भिगा के रख दिए हैं। अब बस चावल चलाने जा रही है, आप लोगों को बताना था। और मेरी घड़ी अब उठ गई है 9:45 हो गए, और मैं जब से सुकून से बैठी थी, पता है बहुत बड़ा धोखा हो गया। वो तो अच्छा है कि हस्बैंड लेट आते हैं, नहीं तो बहुत डांट पड़ती नहीं ये तो नहीं होता, लेकिन डांट ज़रूर पड़ती। सो बस आई होप हस्बैंड के आने तक खाना जल्दी जल्दी से रेडी हो जाए, और मतलब कितना बड़ा पचका हो गया मेरा। चलिए बाय। बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है हमारा, और बहुत ढेर सारी आपके साथ बातें भी हो गई। ये छोटी छोटी सी घूमरन वीडियोस हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।